मध्य प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष को लेकर फंसा पेंच। कौन बनेगा कांग्रेस का अगला मुखिया? क्या प्रदेश में एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? पेचीदा हुआ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बीते कुछ दिनों से अध्यक्ष का पद रिक्त है। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कई नाम लगातार पीसीसी अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं, लेकिन अब यह स्थिति और ज्यादा गहरा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अब कांग्रेस में ही आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। हाल में सबसे ज्यादा जिस नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे है वे हैं अजय सिंह। अजय सिंह पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, लेकिन कुछ चुनाव लगातार हारने के चलते उन्हें इस पद के लिए कमजोर दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि फिर भी वे अध्यक्ष बन सकते हैं। बीते दिनों अजय सिंह ने 2 दर्जन से अधिक विधायकों से मुलाकात की थी, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीसीसी अध्यक्ष के लिए गृह मंत्री बाला बच्चन का नाम आगे बढ़ा दिया था। इधर दूसरी ओर प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया ने जो रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को सौंपी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे उपयुक्त दावेदार बताया है। उनके अनुसार सिंधिया ही हैं जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक कर सकते हैं। यदि वे किसी एक क्षेत्र विशेष को छोड़कर पूरे प्रदेश पर ध्यान दें तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य नेता हैं जिनके नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे चल रहे हैं। इनमें उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा का नाम भी प्रमुख है। महिला नेताओं में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम भी चल रहा है। अजय सिंह के नाम को दिग्विजय सिंह काफी समर्थन हासिल है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ और विधायक भी यही चाहते हैं कि सिंह अध्यक्ष बने, लेकिन फिर भी दूसरे नेताओं को सिंह के नाम से आपत्ति है। इसका कारण उनकी हार और अपने क्षेत्र में ही कम होती लोकप्रियता है। अब देखना होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जल्द ही इस नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन तय आला कमान ही करेगा। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।